Hello, everyone, welcome to our YouTube channel Sixa Alliance. Today, we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PID, and various government sources. So, let's begin our session. Our first topic is कृष्णा राज सागर डैम तो हम जानेंगे कृष्णा राज सागर डैम के बारे में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक हैज़ इश्यू अ बैन ऑन ऑल माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटी विद इन अ ट्वेंटी किलोमीटर रेडियस ऑफ कृष्णा राज सागर डैम इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू तो द कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डेंजर पोस्ट टू डैम बाई दिस एक्टिविटी जो हाई कोर्ट है कर्नाटक के, के उन्होंने इश्यू किया एक बैन को सारे टाइप के माइनिंग या क्वेरिंग एक्टिविटी के ऊपर जो ट्वेंटी किलोमीटर का रेडियस है कृष्णा राज सागर डैम का मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कि पोटेंशियल खतरा हो सकता है डैम को इन एक्टिविटी के कारण दैन अप्लाई टू एक्टिविटी ऑलरेडी परमिटेड और इन ऑपरेशन एंड इट विल रिमेन इन फोर्स अंटिल अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी बाई एक्सपर्ट इज कम्पलीटेड द डिसीजन ऑन लिफ्टिंग दैन विल बी मेड बाई दमिटी ऑन डैम सेफ्टी इस्टैब्लिश अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और जो बैन है ये अप्लाई होगा सारे एक्टिविटी के लिए जो कि पहले से परमिटेड हो या ऑपरेशन में हो और ये जो है फोर्स में तब तक रहेगा जब तक कि एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी जो है एक्सपर्ट के द्वारा कम्प्लीट नहीं कर लिया जाता जो डिसीजन होगा लिफ्ट करने का बैन को ये किया जा सकता है स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ़्टी के द्वारा जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के माध्यम से कृष्णा राज सागर डैम के बारे में हम जान लें इसको बिल्ड किया गया था 1932 पे ये कहाँ पे लोकेटेड है तो रिवर कावेरी मैसूर एंड मंडिया डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका पे तो किस स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कर्नाटका पे इसका नाम जो है कृष्णा राज वो डायर फोर के नाम पर रखा गया जो कि उस समय के रूलर थे मैसूर किंगडम के इंजीनियर की अगर हम बात करें तो सर एम विश्वेश्वरिया जिनको कि भारत रत्न भी मिला है और इनका बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर डे के रूप में फिफ्टीन सेप्टेम्बर को पर्पज़ की अगर इसकी हम बात करें तो वाटर सप्लाई फॉर मैसूर सिटी बेंगलोर एंड इरीगेशन इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु ये जो डैम है ये वाटर सप्लाई करता है माइसूर सिटी टू बैंगलोर के लिए और इरीगेशन में मदद करता है कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए रिवर कावेरी के बारे में भी हम जान लें कावेरी रिवर आपका पेरिनियल मानसून रेनफेड रिवर है ये राइज करता है टाला कावेरी ब्रहमागिरी हिल्स है जो कि आपका लोकेटेड है कोडागुरु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें तो कर्नाटका तमिलनाडु बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ कुडोर ये इसके ड्रेनेज बेसिन है ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो अर्कावती हेमावती लक्ष्मण तीर्था सिमसा काबिनी और हरंगी ये सारे इसके ट्रिब्यूटरी है जो डैम से भारत में उसके बारे में हम जान लें तो इंडिया जो है ये तिसला लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है वर्ल्ड में यूएस और चाइना के बाद इंडिया में सिक्स थाउजेंड से अधिक डैम है जिसमें वन फोर्टी थ्री जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है डैम के सेफ्टी के लिए तो जैसे कि आपका डैम सेफ्टी एक्ट हो गया टू का नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी डैम रिहबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज टू जिसको कि फाइनेंस किया जा रहा मिलके, है मिलकर वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकम इन पीआईबी की न्यूज है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानेंगे हम इनकम इनक्वालिटी के बारे में उसका जो रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है सब कुछ डिटेल में कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू रिसेंट एस बी आई रिसर्च रिपोर्ट इनकम इनक्वालिटी इन इंडिया है डिक्रीज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास जो एक रिसेंट रिपोर्ट है एस बी आई का रिसर्च रिपोर्ट इसमें बताया गया है कि जो इनकम इनक्वालिटी है भारत में वो डिक्रीज हुआ है ये दर्शाता है एक पॉजिटिव ट्रेंड को अपवर्ड मोबिलिटी के लिए और जो ग्रोथ है मिडिल क्लास का ये रिपोर्ट क्या कहता है decrease in guinea coefficient a measure of income inequality has decreased from 0.472 in uh, year 2014-15 to 0.402 in 2022-23 तो डिक्रीज हुआ है गिनी कॉफिशियंट में गिनी कॉफिशियंट जो है ये एक मीचर है इनकम इक्वालिटी के लिए ये इसमें डिक्रीज देखा गया ये जीरो पॉइंट फोर सेवन टू था टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन के समय पर जीरो पॉइंट फोर जीरो टू हो गया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में इंक्रीजिंग टैक्स बेस जो टैक्स बेस है ये बढ़ा है स्टडी जो है ये रिफ्रेंस करता है सी के डाटा को ये रिवील करता है कि वाइडन हुआ है इनकम टैक्स बैक्स जिसमें जो नंबर है इंडिविजुअल का जो कि फाइल कर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न को ये बढ़ा है सेवेंटी मिलियंस था जो कि आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में ये बढ़ के सेवेंटी फोर मिलियन हो गया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में इम्प्रूविंग अपवर्ड मोबिलिटी ये जो रिपोर्ट है ये एट्रीब्यूट कर रहा है जो डिक्लाइन हुआ है इनकम इन का सिग्निफिकेंट अपवर्ड मोबिलिटी के कारण जिसमें थर्टी सिक्स परसेंट इंडिविजुअल जो है लोवेस्ट इनकम ब्रैकेट के फाइनेंशियल ईयर फोर्टीन के समय के वो बढ़े हैं हायर इनकम लेवल पे ये दर्शाता है कि ट्वेंटी वन परसेंट इनक्रीज हुआ है उनके इनकम में फाइनेंशियल ईयर फोर्टीन ट्वेंटी वन के बाद राइजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़त देखा गया है जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इसमें भी माइक्रो फर्म मूविंग टूवर्ड बिकमिंग बिगर फॉर्म जो माइक्रो फॉर्म है वो मूव कर रहा है बिगर फॉर्म बनने की और एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है एमएसएमई के इनकम में भी चेंजिंग हुआ है कंजम्पशन पैटर्न में पोस्ट कोविड के बाद जो कि चैलेंज कर रहा है जो नेशन है केस अपनी ग्रोथ का शेयर ऑफ टॉप अर्नर दिक्लाइन जो शेयर है टॉप अर्नर का उसमें गिरावट देखा गया है तो जो शेयर है टॉप अर्नर का जिनका इनकम जो है रुपीज़ टेन करोड़ से रुपीज़ हंड्रेड करोड़ से अधिक था उसमें दिक्लाइन देखा गया है टू थाउजेंड फोर्टीन फिर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के दौरान अब हम गिनी कॉफिशियन के बारे में भी जान लें क्योंकि ये इनकम इनक्वालिटी को मैं मदद करता है मेजर करने में तो यह है तो क्या है गिनी गिनिकॉफिशियंट इज अ स्टैटिटिकल मेजर ऑफ इकोनॉमिक इन इक्वालिटी अक्रॉस दी पॉपुलेशन इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज इट विजल द डिस्पर्सन ऑफ इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एमॉन्ग द मेम्बर ऑफ ए पॉपुलेशन गिनी गिनिकॉफिशियन जो तो है यह स्टैटिस्टिकल मेजर है इकोनॉमिक इन का अक्रॉस पॉपुलेशन के लिए कंट्री में और बिटवीन कंट्रीज के बीच में यह मेजर करता है जो डिस्पर्सन है इनकम या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेंबर है पॉपुलेशन का उनके बीच में गिनी कोफिशियंट रेंज करता है जीरो जो कि परफेक्ट इक्वलिटी है वन यानी परफेक्ट इनक्वालिटी थियोरेटिकली जो वैल्यू होता है ओवर वन का ये पॉसिबल जो है नेगेटिव इनकम या वेल्थ के कारण है गिनी कोफिशियंट अगर लार्जर है जीरो से तो इसको माना जाता है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ इनकम ये परसेंटेज ऑफ आपका पॉपुलेशन है परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन हो गया ये लॉरेंस कर्व हो गया ये गिनी का फ्यूशन दिखाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करता है गिनी वैल्यू को अगर जीरो है तो मतलब इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वन है तो यानी मोस्ट अन हुआ केस ऑफ़ रिकवरी के बारे में भी हम जान लें तो पोस्ट कोविड के बाद इंडिया जो है उसमें देखा गया है केस ऑफ रिकवरी को ये दर्शाता है कि डिस्पेरेट इकोनॉमिक रिबाउंड हुआ है अलग अलग सेगमेंट में एक्सपर्ट का मानना है कि जो एफ्लुएंट है ये ट्राइव कर रहा है और लेस प्रिवलेज इनकाउंटर किया गया है जो चैलेंजेस था ये एक कर रहा है एक डिवाइडर रिकवरी पैटर्न को यहाँ पे आप, आप देख सकते हैं के सब रिकवरी को ये बिजनेस साइकिल का पिक था ये रिसेशन हुआ ये आपका कुछ बात जो है इकोनॉमिक रिकवरी शो कर रहा है जबकि कुछ बात जो है वो स्टेग्नेटिंग या सिंक किया है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबा थ्री मिशन तो हम जानेंगे प्रोबा थ्री मिशन के बारे में इन सेप्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसरो विल लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोबार थ्री मिशन यूजिंग द रिलायबल पी एस एल वी एक्सएल रॉकेट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के समय में इसरो लॉन्च करेगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोबा थ्री मिशन को उपयोग करके रिलायबल पी एस एल वी एक्सएल रॉकेट की मदद से तो किस कंट्री का मदद मिशन है किस कंट्री के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया जा रहा है ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है मिशन के ओवरव्यू को हम समझते हैं प्रोबा थ्री इज अ पार्नरिंग एस ए मिशन इन्वॉल्विंग टू स्पेसक्राफ्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग इन स्पेस द गोल इज टू फॉर्म अ वन फोर्टी फोर मीटर लॉन्ग सोलर कोरोनोग्राफ फॉर स्टडी दिस सन कोरोना इट इज बींग ट्राइड फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड प्रोबा थ्री जो है ये एक पाइंडरिंग होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन का जो कि इन्वॉल्व करेगा दो स्पेसक्राफ्ट को ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा प्रिसीजन फॉर्मेशन को जो कि फ्लाई करेंगे स्पेस में इसका गोल है फॉर्म करना 144 मीटर लॉन्ग सोलर कोरोनोग्राफ को ताकि स्टडी किया जा सके सन के कोरोना को जो कि ट्राई किया जाएगा पहली बार किसी भी कंट्री के द्वारा वर्ल्ड पे प्रिसजन फॉर्मेशन फ्लाइंग होता क्या है प्रोबा थ्री दो का जो त्रो, सेटेलाइट होगा कॉर्नोग्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट और ऑकुलर स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमसली मेन्टेन करेगा फॉर्मेशन को कुछ मिलीमीटर के डिस्टेंस है वन फोर्टी फोर मीटर या मोर फोर सिक्स आवर समय के लिए ये जो ऑटोनोमस फॉर्मेशन होगा ये ओपन करेगा पॉसिबिलिटी को फ्यूचर लार्ज स्केल मिशन के लिए जिसमें कि मार्स सैंपल रिटर्न या सेटेलाइट डी ऑर्बिटिंग भी आता है टेक्नोलॉजी वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो प्रोबा थ्री जो है वो सर्व करेगा एक स्पेस लेबोरेटरी के रूप में जो कि वैलिडेट करेगा स्ट्रेटेजी को गाइडेंस को नेविगेशन को कंट्रोल और और की टेक्नोलॉजी को जैसे कि मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट टेक्निक एंड स्मुलेटर जिसको कि डेवलप किया जाएगा ब्रॉडर अप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए क्या रोल होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और पीएसएलवी का ई एस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द मिशन वाइल पी एस एल वी इज द लॉन्च व्हीकल प्रोबार थ्री सिग्निफिकट सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर्मेशन फ्लाइंग प्लेसिंग द स्पेसक्राफ्ट इन ए हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ सिक्स हंड्रेड इंटू सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी किलोमीटर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी डिजाइन के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए इस मिशन को जबकि पी जो है वो लॉन्च व्हीकल होगा प्रोबा सीज जो है वो दर्शाएगा एक सिग्निफिकेंट स्टेप को फॉर्मेशन फ्लाइंग के लिए जिसमें कि प्लेस किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट को हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में सिक्स हंड्रेड किलोमीटर के ऑर्बिट में अब हम सन के कोरोना के बारे में भी जान ले सन का जो कोरोना है ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर का जिसको करेक्टराइज़ किया गया है फेंट खोसली ग्लो के साथ स्टडी करना सन के कोरोना को इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अनरेबल करेगा जो मिस्ट्री है हमारे सोलर प्रोसेस को लेके यह इन्हेंस करेगा स्पेस वेदर प्रिडिक्शन को इससे हमें इंसाइट मिलेगा ब्रॉडर इम्प्लीकेशन को लेकर सोलर एक्टिविटी का और दोनों ही सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में भी पता चलेगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनिल तो हम जानेंगे अनिल व अनिल के बारे में क्लीन कोर थोरियम एनर्जी अ शिकागो बेस्ड कंपनी हैज़ डेवलप्ड अनिल एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच लाइफ अ नेम डॉक्टर इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल काकोटकर अ फ्यूल डेट कंबाइन थोरियम एंड हाई एसे रोड इन रिच यूरेनियम जो आपका क्लीन कोर्स थोरियम एनर्जी जो कि एक शिकागो बेस्ड कंपनी है उसने डेवलप किया है अनिल एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच लाइफ को तो किसने डेवलप किया इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका नाम इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल काकोटकर के नाम पर रखा गया है यह एक फ्यूल होगा जो कि कंबाइन करेगा थोरियम और हाई ऐसे लो इनरिच यूरेनियम को अनिल जो है इसका उपयोग किया जाएगा इंडिया के एग्जिस्टिंग प्रेसराइज हैवी वाटर रिएक्टर पर यह ऑफर करेगा एक पोटेंशियल गेम चेंजर को कंट्री के न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर के लिए इंडिया हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम एस्टिमेटेड रेट वन पॉइंट जीरो सेवन मिलियन टन एंड अनिल को फैसिलिटेट द इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ थोरियम इन न्यूक्लियर रिएक्टर और इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम का एस्टिमेट किया गया कि वन पॉइंट जीरो सेवन मिलियन टन थोरियम भारत के पास है और अनिल जो है वो फैसिलिटेट करेगा एफिशियंट यूटिलाइजेशन को थोड़ियम का न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फ्यूल बेनीफिड रिड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्यूम लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लोअर लास्टिंग एफिशियंसी और ये जो फ्यूल है ये बेनिफिट करेगा जिसमें कि रिड्यूस होगा न्यूक्लियर वेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट और लॉन्गर लास्टिंग एफिशिएंसी होगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा लूनर गेटवे स्टेशन तो हम जानेंगे नासा के लूनर गेटवे स्टेशन के बारे में यूनाइटेड अरब एमीरेट अनाउंस इथ पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग अ मॉड्यूल ऑन नासा लूनर गेटवे स्टेशन ज्वाइनिंग USA, जापान कैनेडा एंड यूरोपियन यूनियन इन दी प्रोजेक्ट तो कौन कौन से कंट्री ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है क्या सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट यू ने अनाउंस किया है कि वो भाग लेंगे डेवलप करने में जो मॉड्यूल है नासा लूनर गेटवे स्टेशन का उसने ज्वाइन किया है Japan, जापान कैनेडा और यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्री को इस प्रोजेक्ट में यू का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्लूड करता है कि वो डेवलप करेंगे क्रू और साइंस एयरलॉक मॉड्यूल को वो सर्व करेंगे एंट्री और एग्जिट पॉइंट के रूप में मिशन के लिए और जो एस्ट्रोनॉट ट्रेवल करेंगे मून सरफेस में लूनर गेटवे स्टेशन से वही जो है वो मैनेज करेंगे और ऑपरेट करेंगे एयरलॉक को और पहला इमरती एस्ट्रोनॉट जो है उसको भेजा जाएगा लूनर ऑर्बिट में इस प्रोजेक्ट के मदद से लूनर स्पेस स्टेशन जो है वो काम करेगा एक स्पेस लेबोरेटरी के रूप में ये सपोर्ट करेगा अलग अलग साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपेरिमेंट को जिसका मिनिमम लाइफ स्पेन जो है वो फिफ्टीन ईयर का होगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी आर डी ओ एंटी ड्रोन टैक ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय डी फोर सिस्टम तो डी आर डी ओ का जो एंटी ड्रोन टैक है इसके बारे में हम जानेंगे ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय डी फोर सिस्टम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ ने डेवलप किया है एक कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम को जिसका फोकस है कि वो डिटेक्ट करेगा आइडेंटिफाई करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा ड्रोन को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू काउंटर वेरियस टाइप ऑफ ड्रोन इंक्लूडिंग माइक्रोड्रोन एंड इज सुटेटेबल फॉर लैंड बॉर्डर और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसको डिजाइन किया गया है काउंटर करने के लिए अलग अलग टाइप के ड्रोन को जिसमें कि माइक्रो ड्रोन भी आता है और यह सुटेबल है लैंड बॉर्डर के लिए डी फोर सिस्टम जो है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय ये इंस्टेंटली डिटेक्ट करेगा जैम करेगा माइक्रो ड्रोन को सॉफ्ट किल करेगा उपयोग करेगा लेजर बेस्ड किल मैकेनिज्म का ताकि टर्मिनेट किया जा सके टारगेट को हार्ड किलिंग यानी यूटिलाइज करेगा ये ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम जी एन एस एस का ये आइडेंटिफाई करेगा फ्रीक्वेंसी को जो कि इम्प्लॉय किया जा रहा है कंट्रोलर के द्वारा और सब्सिक्वेंटली डिस्टरप्ट कर देगा उसके सिग्नल को दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएलबल फीडबैक थैंक यू एंड एव नाइ स्टे